हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकओवर बाय कनिका। सो मैं फिर दोबारा आपके साथ एक वीडियो लेके आ गई हूँ, और इस बार की वीडियो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा आई मेकअप है। एंड पिंक और ब्लू शेड की मैंने आई शेडो यूज़ करके ये वाला मेकअप किया है। बहुत ही इजी टू अचीव है और बहुत ही सिंपल है करने में। सो आई होप आपको ये अच्छा लगे। सो मेरी वीडियो को पूरी देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले CTM करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्राइमर। सो मैं इनसाइड का पोरलेस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये प्राइमर जो है वो मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छे से सूट करता है। सो इसीलिए मैं ये वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगा एंड मुझे एक प्रॉपर बेस प्रोवाइड करता है आगे के लिए। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्शन। कलर करेक्शन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर अपने डार्क सर्कल्स पे, और जहाँ जहाँ पे मेरे पिंपल स्पॉट्स हैं और जहाँ जहाँ पे भी कोई डार्कनेस है उधर मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ करके और उसको अपनी फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करके और उसी फिंगर से ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सो जहाँ जहाँ पे भी आपके फोरहेड पे और चिन पे कहीं पे, इंडियन स्किन टोन हमारी ऐसी होती है कि हमें करेक्टर यूज़ करना ही पड़ता है। सो फिंगर से ब्लेंड करने के बाद मैं उसको ब्रश से हल्का हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ। आपको इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, ये ना हो ना पूरा प्रोडक्ट ही हट जाए। आपको जस्ट बहुत ही लाइट हैंडेडली इसको ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन में लगा रही हूँ एले गर्ल की फाउंडेशन, और इसका जो मेरा स्किन है इसकी जो मेरी शेड नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो ज़रूर चेक करना। सो फाउंडेशन लगाने के बाद मैं अपने फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे से। सो मैंने सेटिंग स्प्रे को अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे करके ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से उसको डैब डैब लगा लूँगी। एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ हाईलाइटिंग कंसीलर। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर। सो अपने अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए और अपने नोज को, चिन को और थोड़ा सा फोरहेड पे अप्लाई करूँगी, एंड देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे मैं ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से। सो नेक्स्ट है फेस कॉन्टोर, और फेस कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इधर क्रीम कंटोर, और वो मैं ले रही हूँ कफ्स एंड लैशेज के कवर पॉट में से, कवर पॉट नंबर 10 ले रही हूँ मैं उसका। सो आप चाहो तो आप ब्राउन्ज़र भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप क्रीम कॉन्टोर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपल ब्राउन्ज़र भी यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं इसे अच्छे से अपने फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। सो गाइस, जो चीक का जो हमारा कॉन्टोर होगा वो अपवर डायरेक्शन में ब्लेंड होगा, और चिन पे जो जॉ लाइन पे जो करते हैं वो हमारा डाउनवर्ड ब्लेंड होता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लशर, और ब्लशर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक पिंक शेड की लिपस्टिक। और नेक्स्ट मैं अपने कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का लूज पाउडर, सो HD लूज पाउडर। और जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूँगी, एंड थोड़ा सा बाकी जो मेरे पफ पे रह जाएगा वो मैं पूरे अपने फेस को अच्छे से उसे ब्लेंड कर लूँगी। सो नेक्स्ट मैं इसको थोड़ी देर के लिए लीव कर दूँगी, एंड टिल देन मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी। सो आईब्रोज फिल करने के लिए मैं एक डार्क ब्राउन कलर की आई शेडो ही ले रही हूँ, उससे मैं अपनी आईब्रोज अच्छे से फिल कर लूँगी। सो आईब्रोज फिल करने के बाद मैं जो लूज पाउडर है उसे एक ब्रश की हेल्प से सारा डस्ट ऑफ कर दूंगी। सो नेक्स्ट चलते हैं आई मेकअप में। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं ये टेप यूज कर रही हूँ। ऐसे आप चाहो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे जो है वो आई शेडो बहुत प्यारी लुक आता है। सो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एक पिंक शेडो, और उसे मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी पूरी आईलिड पे। पूरी आईलिड पे मैं पिंक शेड ब्लेंड करूँगी, और थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड करूँगी, और फिर लाइट से डार्कर शेड की तरफ जाऊँगी।
और आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने थोड़ा लाइट पिंक अप्लाई किया था, देन फिर डार्क पिंक लेके मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने क्या किया, शिमर शेड लिया है, एक हाइलाइटर शेड जो होता है, उसे मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी हाफ आईलिड पे अप्लाई करूँगी, हाफ आइज पे अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपने लाइनर अप्लाई करूँगी, स्केच लाइनर अप्लाई करा है मैंने, विंग लाइनर, और उसके बाद टेप रिमूव करने के बाद आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया है। सो अब लोअर लैश लाइन पे मैं ये ब्लू शेड लेके अपने हाफ लैश पे अप्लाई करूँगी, हाफ पार्ट में, एंड बाकी हाफ में मैं अगेन पिंक शेड ही अप्लाई करूँगी। और वाइट काजल मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर अपनी आईज़ में। सो आप चाहो तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे वाइट यूज़ कर रही हूँ। वाइट काजल मैं NYBA का यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट अपने बेस मेकअप और को सेट करने के लिए मैं सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का। उसके बाद मैं अपनी आईज़ को कम्प्लीट करूँगी, मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मैं स्विस ब्यूटी का ही, और उसके बाद आती है लिपस्टिक के बारी। सो मैं यहाँ पे मार्स की लिप पैलेट ले रही हूँ, बहुत ही प्यारे शेड्स हैं इसमें गाइस, और आप देख सकते हो कितना प्यारा इनका पिगमेंटेशन है, बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो मैं एक पिंक कलर का शेड ही अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे, कितना प्यारा शेड लग रहा है ये आप देख सकते हो। सो ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगे, और अगर आपको ये मेरा लुक अच्छा लगे सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आप देख सकते हो कि ये कितना इजी है आई मेकअप करने में और कितना प्यारा लग रहा है। टिल देन बाय।